है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। तो गाइस, आपने कभी ना कभी लैपटॉप्स तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बाय करने गए ही होंगे और वहाँ पे आपको डिटेल्स में कोर के बारे में पता चला होगा, थ्रेड्स के बारे में पता चला होगा और सीपीयू के बारे में पता चला होगा। लेकिन वहाँ पे आपको कोर, थ्रेड, सीपीयू के बारे में जब बताया होगा तो आपके तो माथे के ऊपर से ही जा रहा होगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। हाँ, हालांकि आपको कोई बताया होगा कि अगर आप ड्यूअल कोर लेते हो जिसमें 4 थ्रेड्स देखने को मिल रहे हैं तो जो कि लैपटॉप या कंप्यूटर बेहतर होता है, तो आपने सोचा होगा कि हाँ, उन भाई ने बताया था कि अगर ड्यूअल कोर है और 4 थ्रेड्स है तो वह लैपटॉप्स या कंप्यूटर बहुत बेटर होता है, आप उसको ले सकते हैं। तो आपने वहाँ पे वो सोच करके तो ले लिया, लेकिन वाकई में इसका मतलब क्या है, ये जो कि अब आपको कंफ्यूज कर रहा है या फिर आपको वहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि आखिर वाकई में इसका मतलब क्या है। तो मैं आज आपको इस वीडियोज़ में यही बताऊँगा कि आखिर CPU क्या होते हैं, कोर क्या होते हैं एंड थ्रेड्स क्या होते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों ना एक दूसरे के साथ लिंक है और ये तीनों मिलकर के जो बनाता है वो होता है प्रोसेसर, जो कि आप एक छोटे चिप की तरह देखने को मिलते होंगे जिसको बोलते हैं प्रोसेसर। तो वाकई में उस प्रोसेसर के अंदर CPU, कोर एंड थ्रेड्स तीनों मिले रहते हैं एंड उसके बाद ही किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए एक प्रोसेसर को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको तीनों को एक स्टेप बाय स्टेप एक ईजी लैंग्वेज में बताऊँगा ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको CPU के बारे में बताते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँ कि व्हाट इज CPU, यानी CPU क्या होता है। देखिए, CPU का पूरा नाम जो होता है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर और लैपटॉप के पास कोई नॉलेज नहीं होता है, उसके पास एकदम जीरो नॉलेज है। मतलब इस तरह हम कह सकते हैं वो एकदम बुद्धू है, उसको सिर्फ 0 और 1 का भाषा ही समझ पाता है, इसके अलावा कुछ भाषा समझ में आता है। जो भी भाषा समझना है, जो भी दिमाग है, वो CPU के पास है, क्योंकि हम जो भी काम करना चाहते हैं वो हम CPU को बताते हैं, उसके बाद CPU कंप्यूटर को बताता है एंड उसके बाद यह काम होता है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे बताऊँ। जैसे कि मैंने कंप्यूटर को ओपन किया एंड उसके बाद मैंने चाहा कि मैं इसे अब जो कि फेसबुक ओपन करना है, मैंने क्या किया, फेसबुक पे टैप किया। जैसे ही फेसबुक पे टैप किया वैसे ही वहाँ पे CPU जो उसमें लगा है कंप्यूटर में, वहाँ पे वो CPU समझ गया कि हाँ, जो यूज़र आया वो यूज़र चाहता है कि फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करे। तो वो क्या करेंगे ना, हमारे द्वारा कमांड लेगा CPU और उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा एंड उसके बाद वह कमांड को कंप्यूटर को बताएगा कि भाई कंप्यूटर, तू अभी के अभी फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर, क्योंकि जो यूज़र है ना उसको एप्लीकेशन यानी फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन चाहिए। तो बस वहाँ पे कंप्यूटर क्या करेगा, फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर देगा। तो ये जो प्रोसेस होगा ना, हमारे द्वारा कमांड लिया CPU और फिर उस कमांड को एग्जीक्यूट किया कि हाँ वाकई में यूज़र क्या चाहता है, फिर उस कमांड्स को कंप्यूटर को बताया, फिर कंप्यूटर क्या कह रहा है, वहाँ पे फेसबुक को ओपन कर दिया। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को होने में 1 नैनो मिलीमीटर सेकेंड से भी यहाँ पे कम समय लगता है, यानी 1 नैनो मिलीसेकंड से भी यहाँ पे अब वो कम समय देखने को मिलेगा इस प्रोसेस को होने में। क्योंकि जब आप देखते होंगे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में, जैसे ही आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो कितना फास्ट हो जाता है। तो ये जो कि आप अपने कमांड को CPU को देते हैं, CPU फिर उस कमांड को ले जा कर के कंप्यूटर को बताता है, फिर कंप्यूटर उस चीज़ को ओपन करता है। तो ये जो कि प्रोसेस होने में काफ़ी कम समय लगता है। लेकिन अगर हम किसी कंप्यूटर या लैपटॉप्स के अंदर से CPU को बाहर निकाल दें तो वहाँ पे जो हम काम कर रहे होंगे वो भी बंद हो जाएगा और फिर से ये सोचेंगे कि हम कोई काम कर ले, कुछ चीज़ को हम ओपन कर ले कंप्यूटर में, तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमने वहाँ से कंप्यूटर के जो दिमाग थे CPU उसको हमने निकाल दिया। तो जैसे हम उस निकालेंगे उसके बाद फिर से कंप्यूटर और लैपटॉप उसके पास जीरो नॉलेज होगा, उसके पास सिर्फ 0 और 1 का ही भाषा समझ में आएगा, इसके अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यही होता है CPU का। अगर CPU है तो कंप्यूटर आराम से चलेगा, हम जो काम करना चाहेंगे वह काम होगा। लेकिन CPU जैसे ही निकाल दे तो वहाँ पर जो हम काम करना चाहते हैं, फिर जो भी काम कर रहे होंगे वो सारे के सारे जो काम होगा वो बंद हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर्स के अंदर जो दिमाग देता है, जो काम करने का कमांड देता है वो CPU देता है और हम जो कमांड देते हैं वो CPU को देते हैं और CPU हमारे कमांड को फिर कंप्यूटर को देता है, उसके बाद वो काम होता है। हमारे और कंप्यूटर के बीच जो बीच का लगाव बनाता है वो CPU बनाता है। इसलिए अगर CPU नहीं है तो हम कंप्यूटर के अंदर जो काम करना चाहेंगे, जो भी चीज़ ओपन करना चाहेंगे वो हम बिना CPU को नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे CPU की ज़रूरत पड़ती है और किसी भी कंप्यूटर में एक प्रोसेसर के माध्यम से CPU को इंस्टॉल किया जाता है, जो कि एक छोटे से चिप के आकार का होता है। मान लीजिए CPU ने क्या किया,
उस चीज़ को जो हम ओपन करना चाहते हैं वो ओपन कर दिया, लेकिन ये सीपीयू के पास अब इतना ताकत नहीं है कि वह उस काम को संभाल पाए। क्योंकि देखिए, हम कोई गूगल पे गए, कोई वेबसाइट ओपन किए, अब उस वेबसाइट पे हम कोई काम करना चाहते हैं तो उस काम को संभालने के लिए भी तो अब चाहिए ना, तो वहाँ पे सीपीयू अब काम नहीं देगा, बस सीपीयू ओपन करके अपना चला जाएगा। उसके बाद जो वह काम को संभालेगा, हम जो ये काम करेंगे उसको काम को संभालने के लिए भी तो चाहिए, उस काम को फास्ट करने के लिए भी चाहिए, उस काम को स्मूथ करने के लिए भी चाहिए ना कोई, उस काम को परफॉर्म देने के लिए भी ना कोई चाहिए, ताकि हम बेटर से उस काम को कर पाए। नहीं तो सीपीयू है लेकिन उसके अंदर हम जो काम करें वो काम हो ही नहीं रहा, कंप्यूटर हैंग मार रहा है, क्या हो रहा है नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई फास्ट नहीं। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए कोर आता है। कोर का काम यही होता है कि वो सीपीयू के अंदर तो फिजिकली इंस्टॉल रहता है, यानी सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल रहेगा। अब सीपीयू के अंदर क्या होगा ना, कोर को हम इंस्टॉल करेंगे, फिजिकली इंस्टॉल करेंगे। आप कोर को देखते लेंगे हाथ में तो वह जो सीपीयू के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, और जैसे ही कोर इंस्टॉल हो गया तो सीपीयू जिस चीज़ को ओपन कर दिया, अब उस चीज़ को जो संभालेगा वह जो कि अब कोर संभालेगा, अब वहाँ पे कोर उस चीज़ को संभाल लेगा और वहाँ पे अब हम काम करना स्टार्ट कर दें, तो वहाँ पे हम एक बार में एक ही काम कर पाएंगे, क्योंकि कोर जो है वह एक बार में एक ही काम को कर पाएगा। जैसे कि मैं अकेला हूँ, मेरा एक कंपनी है, तो मैं अपने कंपनी में अकेले हूँ, तो जो भी काम करना होगा मैं अकेले करूँगा। तो मैं अगर 10 काम करने के मुझे चाहिए तो मैं एक बार में 10 नहीं काम कर पाऊँगा, एक एक करके मैं 10 काम को करूँगा। उसी तरह जो कोर सिर्फ रहेगा तो वहाँ पे जो कोर रहेगा ना, वहाँ पे कोर एक बार में एक ही काम को कर पाएगा, लेकिन वहीं पे हम चाहते हैं कि एक बार में हम 10 काम को करें। तो इसके लिए हमें बहुत सारे लोगों को रखेंगे जिससे कि हमारा जो 10 काम है वह 10 लोग संभाल पाए और दूसरा काम हम कर पाए। उसी तरह सीपीयू जो होता है वह कोर को लाता है, कोर उस काम को सिर्फ संभालता है। अब वह कोर आया तो कोर सिर्फ उस काम को संभाला है और एक बार में सिर्फ एक ही काम को संभाल पाएगा, क्योंकि अब कोर भाई 10 काम को एक बार में नहीं संभाल पाएगा। तो अब उस 10 काम को संभालने के लिए थ्रेड्स आता है। जो थ्रेड्स होता है वो मल्टीपल काम को एक साथ करता है, एक ही समय में वो 2, 4, 3, 5 यानी मल्टीपल काम को एक ही बार में वो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर के अंदर म्यूजिक भी प्ले करना है, वीडियो अपलोडिंग भी करना है और साथ ही साथ फ़ोटो एडिटिंग भी करना है, तो यहाँ पे आप 3 काम कर रहे हैं एक साथ, वीडियो भी आपका अपलोड हो रहा है, दूसरी तरफ आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं और तीसरी तरफ आप फ़ोटो भी एडिटिंग कर रहे हैं, या फिर आप वेबसाइट पर कोई काम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप 3 काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो मदद करता है वो थ्रेड्स करता है। क्योंकि अगर आपका थ्रेड्स ना होगा तो आपका कोर जो कि एक बार में एक ही काम करेगा, या तो आप म्यूज़िक सुनिए, या तो आप फ़ोटो एडिटिंग कीजिए, या फिर अपलोडिंग कीजिए, सिर्फ आपका कोर जो होगा एक बार में एक ही काम करेगा, वहाँ पे मल्टीपल काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे मल्टीपल काम करने के लिए थ्रेड्स की ज़रूरत पड़ती है, और एक कोर के अंदर 2 थ्रेड्स होते हैं, यानी एक कोर अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में है तो वहाँ पे 2 कामों को एक समय में कर पाएंगे, यानी म्यूज़िक और दूसरी तरफ आप फ़ोटो एडिटिंग कर पाएंगे, तो वहाँ पे आप 2 काम को एक बार में कर पाएंगे अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एक कोर होते हैं। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ड्यूअल कोर, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर 2 कोर है, तो आप वहाँ पे एक बार में 4 यानी मल्टीपल काम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक कोर के अंदर 2 थ्रेड्स होते हैं, तो 2 कोर के अंदर 4 थ्रेड्स हुए, और अगर 4 कोर है तो 8 थ्रेड्स होंगे, यानी जो थ्रेड्स होते हैं वो कोर का दोगुना होता है, यानी एक कोर है तो 2 कामों का, 2 कोर है तो 4 काम अब हो जाएगा, यानी एक बार में अब आप 3 से 4 काम अपने कंप्यूटर के साथ एक समय में काम कर सकते हैं, यानी एडिटिंग भी कर सकते हैं, फ़ोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं, म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं, और अपलोडिंग भी काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ आप चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो मल्टीपल काम होता है वो थ्रेड्स के साथ ही होता है, इसीलिए यहाँ पे सीपीयू, कोर और थ्रेड्स तीनों को मिलाकर के जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं प्रोसेसर, जो कि आपको मिलते हैं i9, i7, i3, 10th जनरेशन, 9th जनरेशन, 8th जनरेशन, जो भी जनरेशन होता है ना वो सुधार कर आता है, उसमें जो भी अपग्रेड करना है वो आता है। लेकिन जो कोर होता है, कोर i3, कोर i5, कोर i7, और उसके बाद दूसरे कंपनी जो कि राइजन होते हैं, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, ये जो सब जो कि होता है वो कोर होते हैं, और कोर ही सिर्फ आपको बोला जाता है कोर i9, कोर i3,
उसके अंदर जो होता है थ्रेड्स भी होते हैं, सीपीयू भी होते हैं, कोर भी होती है, तीनों मिलाकर के एक प्रोसेसर तैयार कर जाते हैं जिसको आप मार्केट में देखते हैं कोर i9, कोर i7, कोर i3 के नाम से, और Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 9 ये सारे नाम के आप देखते हैं। तो ये जो कि चीज़ें जो होता है ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं जिसके बाद एक प्रोसेसर बनता है और वो प्रोसेसर एक कंप्यूटर के अंदर फिट होता है और जिस कंप्यूटर के अंदर ड्यूअल कोर होता है उसमें आप एक बार में 4 काम आराम से कर पाएंगे, यानी मल्टीपल काम वहाँ पे आप कर पाएंगे। लेकिन अगर उस लैपटॉप या कंप्यूटर जो आप खरीद रहे हो उसके अंदर अगर एक कोर दिया गया तो उसमें आप एक बार में 2 ही काम कर पाएंगे। तो आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाया जाते हैं कि इस लैपटॉप या कंप्यूटर में ड्यूअल कोर 4 थ्रेड्स है। क्यों? क्योंकि 2 कोर है तो 4 थ्रेड्स हुआ, एक कोर है तो 2 थ्रेड्स हुआ, क्योंकि दोगुना होता है। तो ये चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो आप जब भी आप कंप्यूटर खरीदने जाए तो वहाँ पे आपको सीपीयू कोर थ्रेड्स के बारे में जब बताएगा तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि सीपीयू का काम होता है बस कंप्यूटर को कमांड देना कि हाँ यूज़र क्या चाहता है। अब उस काम को संभालने के लिए अब आता है कोर। अब कोर एक बार में एक ही काम को संभालेगा, अब उस काम को वह संभालना है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में एक बार में 3 से 4 काम करें, मल्टीपल काम करें, तो उसके लिए अब थ्रेड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो थ्रेड्स क्या होता है ना, वो फिजिकली नहीं होता है, वो टेक्निकली जो तो कोर के अंदर ही इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे कि एक कोर है लेकिन वह 2 काम संभालेगा। 2 कोर है तो वहाँ पर अब वह कोर जो होगा 4 काम को एक बार में संभालेगा। तो वह जो कि फिजिकली इंस्टॉल होता है सीपीयू के अंदर, फिजिकली इंस्टॉल किया जाता है कोर को, और कोर के अंदर टेक्निकली इंस्टॉल किया जाता है थ्रेड्स को। तो ये जो कि प्रोसेस होता है उसके बाद एक प्रोसेसर तैयार कर दिया जाता है जो कि एक कंप्यूटर के अंदर एक चिप के माध्यम से सेट कर दिया जाता है, जिसके बाद कंप्यूटर वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगता है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको समझ में आएंगे। लेकिन फिर भी आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट हुआ होगा, किसी तरह का आपको कन्फ्यूजन हुआ तो कमेंट कर सकते।